नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल टिक सचिन पर स्वागत। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, जहां पर हम गाला और माना का कंपैरिजन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गाला वर्सेस माना। दोस्तों, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं और मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इनको मार्क्स भी देने वाले हैं, और जिस कॉइन को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वह कॉइन इस कंपैरिजन में जीतने वाला है। जी हाँ दोस्तों, गाला और माना ये दोनों भी मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स है, और इन दोनों को मैंने आज कंपैरिजन करके यह वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गाला और माना की पूरी कुंडली मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं पूरी कुंडली, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने इसको देखा नहीं है और गाला और माना की पूरी कुंडली जानना चाहते हैं, 2025 तक किस तरह से परफॉर्मेंस करने वाले हैं इसको जानना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर कुंडली के प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके वहां से गाला और माना की आप जो कि वीडियोस देख सकते हैं। विस्तार से वहां पर भी डिटेल्स में दी गई है, तो उसको छोड़िए, अब इसको जान लेते हैं इनका कंपैरिजन किस तरह से किया है, सभी बातें बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, पहला है रैंकिंग। रैंकिंग आप देख सकते हैं, गाला की रैंकिंग 97 पर है, यानी कि कहीं ना कहीं गाला की रैंकिंग बहुत दूर है। तो और रैंकिंग जो माना की है उसकी 36 नंबर पर इसकी रैंकिंग चल रही है। रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट रैंकिंग है माना की। तो मानो को यहाँ पर हम जो कि 1 मार्क देंगे। आप देखिए, मार्किंग के हिसाब से मैं यहाँ पर मार्किंग दे रहा हूँ, और सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देने वाला है उसके हिसाब से भी मार्किंग देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे, वही कॉइन यहाँ पर जीतने वाला है। तो रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं गाला की है, ज्यादा है, तो यहाँ पर हम गाला को 0 मार्क्स देंगे। यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है मार्केट कैप। जी हाँ दोस्तों, मार्केट कैप अब यहाँ पर हम देखिए, जिसका ज्यादा मार्केट कैप है उसको हम ज्यादा मार्क नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट कैप जिसका छोटा रहता है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो ये दोनों कॉइन्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है और सेम फंडामेंटली कॉइन है। यहाँ पर मार्केट कैप जिसका छोटा रहेगा, अगर हम गाला की बात करें तो गाला का मार्केट कैप है 356.668 मिलियन, यानी कि माना से भी कम है। माना का है 1.483 बिलियन है। लगभग लगभग गाला से माना का जो मार्केट कैप है वो 4x ज्यादा है। यहाँ पर गाला को 2x होने के लिए सिर्फ 355 मिलियन से 600 या फिर 700 मिलियन तक जाना पड़ता है, लेकिन वही माना को 2x होने में 1.48 जो बिलियन है उसका, यानी कि 2.88 बिलियन डॉलर के आसपास जाना पड़ता है। यानी कि गाला अब माना से भी बहुत ही कम मार्केट कैप का है, तो इसके बढ़ने के चांसेस, डबल होने के चांसेस या फिर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पर हम गाला को 1 मार्क देंगे और माना को 0 मार्क देंगे। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, जिसका मार्केट कैप छोटा छोटा रहता है वह ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो फंडामेंटल्स है वो लगभग सेम ही है। यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई दोस्तों, यहाँ पर जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई है गाला का 6.98 बिलियन है, और टोटल सप्लाई जो है यहाँ पर 35.240 बिलियन है। अगर हम टोटल सप्लाई से सर्कुलेटिंग सप्लाई की जो टोटल सप्लाई है, यानी कि टोटल सप्लाई से सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ मार्केट में उन्होंने 19.80% जो कि गाला का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में उतारा है, जो भी ऑल ओवर कॉइन से टोटल सप्लाई से सिर्फ 20% जो कि मार्केट में उतारा है, अभी टोटल सप्लाई से 80% तक लगभग अभी सप्लाई मार्केट में आना बाकी है। वही माना की बात करें तो माना का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.85 बिलियन और टोटल सप्लाई है 2.193 बिलियन, उसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई में 84.34 बिलियन आ चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी मार्केट में ज्यादा क्वाइंस माना के उतारे गए हैं। इन फ्यूचर बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं आएगा, अगर एड ऑन होगा कि होगा तो भी 16% के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पर गाला का यह एक बैड पॉइंट साबित हो सकता है, जहां पर अभी भी टोटल सप्लाई से 80% तक सप्लाई अभी मार्केट में आना बाकी है। तो यहाँ इसके हिसाब से देखा जाए तो गाला को 0 मार्क मिलेंगे, लेकिन माना को यहाँ पर 1 मार्क मिलेंगे। उसके बाद है मैक्स सप्लाई। यहाँ पर मैक्स सप्लाई दोनों में मेंशन नहीं किया है, यह पूरा डाटा कॉइन मार्केट के आपसे लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम दोनों को डैश कर देंगे, यहाँ पर दोनों को मार्क्स नहीं देंगे या फिर देंगे तो भी चलेगा।
उसके बाद आता है वन ईयर हाई लो रिटर्न, यानी कि जो गाला का वन ईयर का हाई है और जो वन ईयर का लो है, यहाँ इसके बीच लो से लेकर हाई तक कितना परसेंट का मूव मिला है हमें, तो गाला में हमें लगभग लगभग 4042% का मूव मिला है, वही माना में सॉरी यहाँ पर माना का ये जो वन ईयर हाई लो है वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा वन ईयर का जो लो और हाई है इसमें जो माना को सिर्फ माना जो कि सिर्फ 980% का रिटर्न दिया है, तो इसके हिसाब से और गाला के हिसाब से देखा जाए तो मानो को यहाँ पर कम परसेंट जो कि रिटर्न दिया है माना ने, वही गाला ने ज्यादा रिटर्न दिया है, तो कहीं ना कहीं गाला को यहाँ पर 1 मार्क मिलेंगे और माना को 0 मार्क मिलेंगे। वही उसी हिसाब से अगर ऑल टाइम हाई से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न जो कि गाला ने दिया है जो कि लगभग 33,723% का रिटर्न दिया है, वही माना ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम सॉरी यहाँ पर ऑल टाइम हाई सॉरी यहाँ पर है कहाँ पर सॉरी ऑल टाइम लो, हाँ ऑल टाइम लो से लेकर अभी तक जो कि माना ने 10,048% का रिटर्न दिया है, यानी कि यहाँ पर भी गाला सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो गाला को यहाँ पर भी 1 मार्क मिलेंगे, मानो को 0 मार्क मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया। उसके बाद फंडामेंटल्स दोस्तों, मेटावर्स गेमिंग इंडस्ट्री एनएफटी सेम टू सेम माना का भी वही है, तो यहाँ पर दोनों को 1-1 मार्क मिल जाएंगे, दोनों को 1-1 मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद आता है रिटर्न रिसेंट हाई और लो क्रैश, यानी कि जो रिसेंटली हाई लगा था गाला में वहां से लेकर जो अभी क्रैश हुआ है, जो रिसेंटली लो बना है वहां तक क्रैश कितना परसेंट हुआ है। वहां वैसे देखा जाए तो गाला में क्रैश ज्यादा हो चुका है, तो गाला में क्रैश 94.58% क्रैश हुआ है, वही माना में जो कि 89.33% का क्रैश हुआ है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जिसका ज्यादा क्रैश है वो बैड हम बोल सकते हैं, उसके हिसाब से माना को 1 मार्क मिल जाएंगे और गाला को 0 मार्क मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, थोड़ा सा वीडियो अलग सा हुआ है और इस तरह के वीडियोस आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, नया वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम मार्किंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए गाला का और सॉरी उसके बाद और एक है ट्विटर का दोस्तों, अगर ट्विटर के हिसाब से मैं ट्विटर की कम्युनिटी का जो भी है वो उसको यहाँ पर एड ऑन नहीं किया है, उसको अगर एड ऑन करेंगे तो वहां पर माना की कम्युनिटी स्ट्रांग है, माना को ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, और उसके हिसाब से मैं आपके सामने ही यहाँ पर जो कि कम्युनिटी का टैब यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जहां पर ट्विटर पर गाला के करीब करीब 347 के आसपास है, वही ट्विटर पर जो कि माना के सॉरी कम्युनिटी जो कि ट्विटर पर माना के लगभग लगभग 650 के आसपास है, यानी कि कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो माना स्ट्रांग है, तो माना यहाँ पर 1 मार्क मिल जाएंगे और गाला को 0 मार्क मिल जाएंगे। इसके हिसाब से अगर हम टोटल करेंगे तो मार्किंग के सिस्टम से देखा जाए तो गाला को यहाँ पर 4 मार्क्स मिले हैं, वही माना को यहाँ पर लगभग लगभग 5 मार्क्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर इस कंपटीशन में इस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो गाला से भी ज्यादा 1 मार्क से ज्यादा जो कि माना को मार्क्स मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं गाला से माना पर हम जो कि ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, माना पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न के हिसाब से देखना चाहते हैं, रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आप गाला में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो गाला में रिटर्न माना से ज्यादा मिल चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, हमें गाला और माना में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। गाला और माना वैसे देखा जाए तो दोनों सेम इंडस्ट्री के कॉइन्स है, मेटावर्स उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री दोनों का सेम ही है, फिर भी आप अपना पोर्टफोलियो आपका उसमें से 5% से लेकर 10% ही इन्वेस्टमेंट आप इस दोनों कॉइन में करेगा, आप चाहे तो इन दोनों में 5% भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करेगा, कॉइन यही ना है, कॉइन कोई भी दूसरा भी क्यों ना हो, बहुत सबसे अच्छा कॉइन भी क्यों ना हो बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़कर, आप 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही कॉइन में मत करेगा, मैं हर बार हर वीडियो में बताता रहता हूँ। तो इन दोनों में आप चाहे तो 5% या फिर इन दोनों में 5% इसमें 5% या फिर इसमें 10% इसमें 10% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पर बता दो, अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो उसमें से 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप एक ही कॉइन में मत करेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि
कोई भी कॉइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें हमें 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यह वीडियो था कंपैरिजन का। यह वीडियो जो कि सबसे अलग सा था, मेरे ख्याल से इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो चाहिए, कौन से कॉइन्स का कंपैरिजन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगला वीडियो आपके लिए जरूर ला दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो जानने देखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।